नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जो बुलेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन बटन ही एक ऐसा होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करता है, नई नई वीडियोज़ के लिए इनक्रेज करता है। तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल पर पहले से जुड़े हुए या नए हो तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, शेयर चैट, फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी ग्रुप्स में, सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं जी। ठीक है जी, देख सकते हो पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे जो कि हरियाणा सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र और प्रमोशन होंगे जल्द। ग्रुप सी और डी के रिलेटेड अपडेट है जी। सभी तरह की सरकारी नौकरी के फॉर्म के लिए आप examjobalert.com पर भी विजिट कर सकते हो। ठीक है, पूरी अपडेट देंगे जी, ये देख सकते हो पूरी अपडेट के लिए। तृतीय श्रेणी कर्मियों को बनेगा कॉमन कार्डर, दूसरे विभागों में करा सकेंगे स्थानांतरण अपना। ठीक है जी, पूरी डिटेल देख सकते हो इसमें बताएं। तो ग्रुप सी और डी की बात कर रहे हैं इनमें। ठीक है जी, हरियाणा में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को अब पसंद के लिए दूसरे विभाग में सेवाएं देने का मौका मिलेगा। किसी भी सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम या और सरकारी प्रतिष्ठानों में 2 साल का प्रमोशन पीरियड, प्रोबेशन पीरियड यानी कि परिवीक्षा अवधि पूरा कर चुके कर्मचारियों को दूसरे विभाग में स्थानांतरित की का अधिकार दिया जाएगा। मानव संसाधन का कॉमन कार्डर बढ़ाने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है जिस पर वित्त विभाग और कानून और विधायी विभाग की मोहर बाकी है। प्रदेश में पहले भी सभी विभागों में तृतीय श्रेणी के पदों के लिए सरकारी विभागों में क्लर्क के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है 12वीं कर चुकी है। कॉमन कार्डर के लिए मानव संसाधन विभाग ने हरियाणा तृतीय श्रेणी कर्मचारी सेवा में भर्ती और शर्तें बिल 2022 में तैयार किया है। सीधी भर्ती और पदोन्नति में तृतीय पद श्रेणी पद पाने वाले कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। बिल को मंजूरी के लिए के बाद तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए ग्रुप सी के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। वर्तमान में जब किसी व्यक्ति को नियमित आधार पर नियुक्ति दी जाती है तो वह सेवानिवृत्त की तिथि तक उसी विभाग में कार्यरत रहता है। उस व्यक्ति का नाम उसी विभाग की वरिष्ठता सूची में शामिल होता है जिसमें उसे नियुक्त किया गया है। आमतौर पर सभी विभागों में प्रत्येक कार्डर पद की वरिष्ठता सूची हरियाणा में स्थित हेड ऑफिस और फील्ड कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए अलग अलग बनाई जाती है। इसके बाद कर्मचारियों को लागू होने वाले विभागीय सेवाओं नियमों में नियम व शर्तों का के अनुसार पदानुक्रम और पदोन्नति मिलती है। ठीक है जी, और यह इस प्रविधान के तहत विभागीय सेवा नियमावली के अनुमति के अलावा फील्ड कार्डर के कर्मचारियों को हेड ऑफिस में कर्मचारियों को फील्ड में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर हेड ऑफिस के तो हेड ऑफिस में ही स्थानांतरित किए जा सकते हैं, फील्ड के हेड ऑफिस में नहीं, हेड ऑफिस के फील्ड वर्क में कार्डर में नहीं स्थानांतरित किए जा सकते। अधिकतर विभागों में ग्रुप सी पद के फील्ड कार्डर के कर्मचारियों को आगे प्रमोशन पाने के लिए 10 से 20 साल तक रुकना पड़ता है, जबकि एक ही पद पर हेड ऑफिस के कर्मचारियों को फील्ड कैडर के कर्मचारियों की तुलना में पहले प्रमोशन मिलता है। कॉमन कार्डर बनने से यह भेदभाव भी खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ये पूरी अपडेट आपके साथ शेयर की है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा हो कर चुके जिनका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कम से कम है तो कर्मचारियों को पसंद के विभाग में जाने का अधिकार मिलेगा। मानव संसाधन विभाग ने ड्राफ्ट किया है तैयार। वित्त विभाग और कानून विधायी विभाग की मोहर लगनी अभी बाकी है। इसमें देख सकते हो सरकारी विभागों में जितने भी कर्मचारी क्लर्क हैं 50% पर सीधी नियुक्तियां, 50% पर पदोन्नति से भरे जाएंगे। सरकारी विभाग में अकाउंटेंट के 50% पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति होगी जबकि 50% पदोन्नति से भरे जाएंगे। स्टेनोटाइपिस्ट के 80% पदों पर सीधी भर्ती होगी तो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के 80% पद पदोन्नति से
भरे जाएंगे। सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, सहायक, सीनियर अकाउंटेंट, अधीक्षक और निजी सहायक के पदों सभी पदों पर पदोन्नति से नियुक्तियां की जाएंगी। भारी वाहन चालकों को उसके 100% पदों पर सीधी भर्ती होगी, जबकि हल्के वाहन चालकों की 10% पदों का पदोन्नति से बढ़ाव होगा। ठीक है जी, यानी कि अगर आप 2 साल एक ही श्रेणी में लगा चुके हो तो तृतीय श्रेणी वाले के लिए यानी कि ग्रुप सी व डी वालों के लिए, सी वालों के लिए अब दूसरे विभाग में स्थानांतरण किया जा सकेगा, वो अपना स्थानांतरण करवा सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपके 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो कंप्लीट हो चुका है तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत अच्छी रही है, बहुत बड़ी खुशखबरी है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हरियाणा सरकार की तरफ से। अगर इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।